नमस्कार दोस्तों, जाट संसार यूट्यूब चैनल में आपको जाट संसार के तहत आने वाली जाट समुदाय की विभिन्न रोचक और ऐतिहासिक जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। जाटों के बारे में कई बार इतिहासकारों ने गलत सलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। हालांकि वास्तविक तौर पर देखा जाए तो जाट विशुद्ध रूप से आर्य है। इतिहास में यह चीज दर्ज है कि वैदिक कालीन आर्यों की ऐसी कोई प्रथा नहीं जो अब तक जाटों में किसी ना किसी रूप में ना चली आती हो। वैदिक आर्यों के 8 प्रकार के विवाह उनमें अब तक होते हैं। भीष्म पितामह ने पांडु के विवाह के लिए मंद्र नरेश के सामने प्रस्ताव रखा था। वर्तमान हिंदू रिवाजों के अनुसार लड़के का बाप लड़की के बाप के सामने ऐसा प्रस्ताव नहीं रखता है, किंतु अजमेर मेरवाड़े के जाटों में ये प्रथा अब भी प्रचलित है। जाट बालक बजाने के लिए बांसुरी अलगोजा पसंद करता है, जो कि उसके बहुत पुराने पुरुष भगवान श्री कृष्ण का खास बाजा है। जाट बालक को जब तक कि वो युवा नहीं होता कछनी पसंद होती है। जाट ग्रस्त अर्थिति सत्कार को अपना पैतृक रिवाज बतलाता है। जहां के जाटों का मस्तिष्क वर्तमान हिंदू रिवाजों का गुलाम नहीं बना है, वहां के जाट स्त्रियां पर्दे को वैशीपन समझती हैं। ये अपने हाथों से अपने पति और पारिवारिक जनों को भोजन खिलाती हैं। जाट दास प्रथा को बुरा मानते हैं। उनके यहाँ कुछ एक लोकोक्तियां ऐसी चली आती हैं जो कि इन्हें वैदिक आर्यों के उत्तराधिकारी में तनिक भी संदेह नहीं रखने देती। बाप का बदला लेने वाले पुत्र को प्रकट्योसुत जन्मेदा जन्मेय की लोकती से और उद्दंड पुत्र को ब्राह्मण नाम से पुकारते हैं। उन्हें रसिक रागों की अपेक्षा तत्व ज्ञान और भक्ति तथा वीर रस के राग अधिक पसंद होते हैं। अपनी ओर से वे किसी से झगड़ा बघेड़ा नहीं करने के आदी हैं। मित्र के साथ समीक्षाम के ये सिद्धांत को जो प्राचीन आर्यों का था उसका स्वभाव बन गया है। अतः धार्मिक भावनाओं और रस्म रिवाजों से उन्हें वैदिक आर्यों का सच्चा उत्तराधिकारी सिद्ध किया जाता है। या निर्विवाद सही बात है कि जाट विशुद्ध रूप से आर्य हैं। अगले एपिसोड में फिर नई जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूंगा। तब तक के इजाजत दीजिए। नमस्कार।